हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेरी वार्म वेलकम दिस शो। मैं हूं कामरान शाहिद। सेनेट का तूफानी सनसनी खेज इलेक्शन जो है वो आज हुआ और उसमें अपोजिशन इत्तेहाद के सादिक संजरानी जो है वो जीत गए। उनका ताल्लुक ना पीपल्स पार्टी से है ना पीटीआई से, लेकिन वो जरदारी साहब के बहुत क्लोज समझाते हैं। यूसुफ जरदारी के दौर में उनके कोऑर्डिनेटर भी रहे थे। बहुत बड़ा बहुत हैवी ब्लो है नवाज शरीफ साहब को। उनके कैंडिडेट राजा जफर हक जो है वो हारे आज इलेक्शन में। और राजा जफर हक साहब की हिस्ट्री बस यही है कि 1970 से लेकर 2002 तक कोई इलेक्शन वो जीते नहीं और ये इलेक्शन भी वो हार गए। बहुत से सवाल को जन्म दिया इस इलेक्शन ने। लोग ये कह रहे हैं कि वो जरदारी जिस पर करप्शन के चार्जेस के इल्ज़ाम इमरान खान ने लगाए, आज वो उन्हीं की गोद में जाके बैठ गए। अपोजिशन इस वक्त हुकूमत ये भी कह रही है उनके नाकदेन के ये नवाज शरीफ जमहूरियत 11 वर्सेस कठपुतली इमरान खान 11 के दरमियान मुकाबला है। और ये भी कहा जा रहा है कि सारे का सारा इलेक्शन जो है वो खुफिया हाथों ने कराया है। हम इससे उसके इलेक्शन के बाद हमने सुना वज़ीर इत्तला'अत व शरियात की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तलाल चौधरी की, इसमें तमाम बातें धुराई गई। इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे, लेकिन इलेक्शन का रिजल्ट बड़ा हैरान कन था। समझाया जा रहा था कि शायद एक दो वोट्स का फ़र्क होगा, लेकिन यहाँ पर वोट का डिफरेंस काफ़ी निकला। सादिक संजरानी ने 57 वोट्स लिए जबकि राजा जफर हक साहब ने सिर्फ 46 वोट्स लिए। ये फ़र्क लोगों को समझ नहीं आ रहा कि इतना कांटेदार मुकाबला, इतना वन साइड किस तरह हो गया सेनेट के तनाजुर के अंदर। हमारे साथ वाई मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद साहब आज मौजूद हैं, इन्हीं से बात कर लेते हैं। शेख साहब, आपका भी ये कहना था एक दो सीट्स का फ़र्क हुआ, हजूर ये तो काफ़ी फ़र्क हो गया, 11 सीटों का फ़र्क है यहाँ पर, 11 वोट्स का। मुझे नहीं पता था कि सेनेट्स में भी नून के 11 लोटे होंगे, और मैं तो 2 और 1 वोट से सजरानी को मैं आपसे इत्तफाक करता हूं। लेकिन आप ये भी बताएं ना कि सारे एंकर सुबह से लगे हुए थे कि आसफ जरदारी ने वो क्या नाम था उनका, रजा रब्बानी को छोड़ के बड़ी गलती की और जीती हुई सीट जो है वो फेंक दी। और मैं समझता हूँ पहली दफ़ा पॉलिटिक्स इज ए नेम ऑफ कंसेंसस एंड अंडरस्टैंडिंग, और कंसेंसस से जो काम किया गया है उसमें मेरा ख्याल है वो सारी ख्वाहिशें दम तोड़ गई हैं नवाज शरीफ साहब की। वो सारी मंसूबा बंदी जो वो बनाए बैठे थे और कह रहे थे हम आइन में तब्दीली करेंगे, हम कानून में तब्दीली करेंगे, इसका असर ना सिर्फ आने वाली कौमी असम्बली पे पड़ेगा बल्कि आप देखेंगे कि नून लीग के कई मेंबर अब वहाँ से इसी तरह किरकेंगे, इसी तरह स्लिप होंगे जिस तरह आज 11 वोट हुए हैं या 8 वोट हुए हैं या 6 वोट हुए हैं। सारी ज़िंदगी आज ये इन्होंने 2-3 बंदे कुर्बानी के बकरे रखे हुए हैं, बच्चे बच्चे 19 अंडर 19 की टीम के, सारी ज़िंदगी इन्होंने छांगा मांगा और मरी खेला, छांगा मांगा और मरी खेला, मरी में पेमेंटें की, छांगा मांगा में की, और आज अपनी बारी आई तो अपर हाउस में आके जो नतीजे निकले मेरा ख्याल है वो नवाज शरीफ की शिकस्त की शुरुआत हो चुकी हैं। मैं पिछले 6 महीने से लोगों को कह रहा हूं कि मार्च अप्रैल तक इनके केसों के फैसले आ जाएंगे, उसके बाद ये सियासत शुरू होगी। इन्होंने अपनी मर्ज़ी की हलका बंदियां भी की हैं, जो कुछ मर्ज़ी कर लें अल्लाह को मंजूर हुआ तो इस मुल्क में जमहूरी प्रोसेस भी आगे चलेगा। सबसे खुश आइंद बात यह है कि ये तब्दीली जमहूरी तरीके से हुई है, ये तब्दीली जो है ये किसी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला नहीं किया, खुदा ना करे किसी ने भी इस मुल्क में इस जमहूरी फैसले को, इन्होंने बड़े इल्ज़ाम लगाए, ये खुद पैदावार कहाँ की है जी, ये जो बातें कर रहे हैं इतने सारे, ये कहाँ से हबीब जालब पैदा हो गए हैं, आज उनका दिन है या कल दिन था, ये कहाँ के हबीब जालब है, ये मार्शल्ला की गोदों की पैदावार है, GHQ के गेट नंबर 4 की पैदावार है। कोई शख्स इनमें सियासत का इनके सारे खानदान में से रोल बता दे, एक काउंसलर का, पहलवान तो थे इनके खानदानों में, वो अब तो नवाज शरीफ साहब पॉपुलर लीडर हैं जनाब, अब तो पीएमएलएन के जनाब वो जीते इलेक्शन, काउंसलर जिस तरह हुए हैं सारे जोर टाउन पे, सारा जोर टाउन दे के मुफ्त में, सारा पुलिस स्ट्रक्चर दे के, सारा पटवारीज़म दे के, सारी मेडिकल कोर दे के, ये अपने घर से इन्होंने हराम है 5 पैसे लगाए, वो बाहर ले गए हैं पनामा में, ऑस्ट्रेलिया में और दुबई में, हमारे माल पे हमें को आंखें दिखाने वाले
आप कह रहे हैं पॉपुलर पॉपुलर, तो आप मुझे पैसे दे दें, किसी को कहें, मैं साल 6 महीने में तबाही फेर दूंगा, क्योंकि मेरे पास तो आपसे मोहब्बतों के रिश्ते हैं। मैं तो नहीं सुप्रीम कोर्ट की तरह फैसला ले सकता कि दवाई बेचनी है तो शहबाज साहब की तस्वीर है, लैपटॉप बेचने हैं जैसे घर से दे रहे हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है, पॉपुलर और अनपॉपुलर का भी फैसला हो जाएगा, वेट एंड सी। शेख साहब नून लीग ने ये कहा है, शेख साहब नून लीग ने ये कहा है कि खान साहब आज का इलेक्शन जो है वो जरदारी ने बता दिया कि ये जमहूरी इत्तेहाद ये बिकता है, खान साहब तुम भी बिकते हो, मुझे खरीदना आता है, और तुम्हारा खमीरी जो है वो करप्शन है, तुमने जरदारी और तुम्हारी करप्शन एक हो गई है, जमहूरी इत्तेहाद यानी आप भी अगर शामिल हैं इमरान खान के साथ तो आप सब जो हैं वो आज करप्ट हो गए जरदारी कैंडिडेट को जितवा के, और आप भी आज जरदारी गुण गा रहे हैं, ये नून लीग की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस जी। बड़ी जिम्मेदारी से कहता हूं कि सही जगह हिट किया है इमरान खान ने। अच्छा, यानी इनको मौका देता कि ये फौज की पगड़ियां उछालता इमरान खान, इनको मौका देता कि ये अदलिया का कहता कि ये डस्टबिन में फेंको जिसके बेटे ने भी आज हमला किया, ये बदमाश है सारे, इनको लितर पड़ने चाहिए, कानून और आईन के तहत फैसले होने चाहिए। आज आप शायद कामरान साहब बड़ी अजीब बात कर रहे हैं, सर नून लीग का मौका दे रहा हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये जीते होते जी। सर प्रेस कॉन्फ्रेंस तो वो 2-3 है मेहमान अदाकार जो मौत के कुएं के बाहर जो है वो टिकटें बेचने वाले होते हैं, चलो 10-40 रुपया 20 रुपया। अच्छा। इनकी औकात क्या है कस्टम के मालों से जवान होने वाले, इनकी सियासत ही मिरासी पुनः मालशी हैं ये, इनकी क्या सियासी औकात है। अल्लाह ताला से मैं डरता हूँ, अल्लाह बहुत बड़ा है, इलेक्शन भी आएगा तो मैं आपको बता दूंगा इंशाल्लाह, रावलपिंडी के तीनों हलके जिसमें से एक इमरान खान होगा 60-61-62 इतनी बुरी शिकस्त देंगे, मैं सारे पाकिस्तान का दावा नहीं करता कि ये गुश्ते बदंदा रह जाएंगे कि इनके साथ क्या हुआ, लोग इनसे नफरत करते हैं, ये किराए के मफाद परस्त लोग हैं, और आज जो फैसला आया है इससे आप इस तरह सोचें कि ये फैसला इमरान खान और आसफ जरदारी के खिलाफ आता तो इसका क्या रिएक्शन होता, फिर ये कहते नहीं बिके। आप मुझे बताएं जबैर पता नहीं क्या गुल वो क्यों आ रहा है इनका वहां से, तो सर जरदारी इमरान भाई भाई तो लसन को इतने वोट क्यों भेड़े, एक साहब जरदारी इमरान भाई भाई हो गए आज से, मैं नहीं ये कहता, मुबारक हो, देखें ये कहते हैं, ये कहते हैं मैं अवामी मुस्लिम लीग तहरीक इंसाफ के साथ इत्तेहाद से इलेक्शन लड़ेगी, और मैं आपको यकीन से कहता हूं कि इमरान खान जनरल इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद नहीं करेगा, अगर कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए तो कोई उसमें मजायका नहीं है। सर बात यह है कि आज उन्होंने हारने के फौरन बाद PMLN ने यह कहा है नवाज शरीफ साहब की तरफ से कि यह हमारी जीत है क्योंकि हमने ना किसी को खरीदा ना पैसा दिया ना हॉर्स ट्रेडिंग की, और जो लोग बिके उन्होंने अपने आप को एक्सपोज किया, तो हॉर्स ट्रेडिंग नहीं की उन्होंने नवाज शरीफ साहब ने, खरीदो फरोख्त का बाजार नहीं लगाया अपोजिशन इत्तेहादियों की तरह, तो ये उनकी जीत है, वो कह रहे हैं हमारी जीत है ये, तो आप भी मान लें ये खलाकी जीत है उनकी। पहले तो ये बताए ये 11 लोटे कौन है इनमें से, मुझे क्या पता जनाब, या आपके कोलीग्स हैं ना पार्लियामेंट, पहले तो अपनी चारपाई के नीचे झाड़ू फेरे ना, ये 14-16 साल की दोशीजा तो नहीं है जो वर्गलावे में आके मोटरसाइकिल के पीछे बैठ के घर से भाग गई जी, ये बात कोई 16-18 साल की दोशीजा नहीं है जिसको वर्गला के कोई मोटरसाइकिल के पीछे बैठा, पैसा बड़ी बुरी चीज है शेख साहब, और जिसका आईफोन से पता लगेगा, इनको पता होना चाहिए जमात इस्लामी ने इनको वोट दिए, फजल रहमान ने इनको वोट दिए, फिर लोटे तो इनके घर से निकल रहे हैं, और जब इन्होंने इतना बड़ा किंग साइज लोटा मुशाहिद हुसैन को लिया, 4:30 बजे तक वो शुजात और परवेज के पे रोल पे था और 6:30 बजे इनका कैंडिडेट था, मुझे तो डर पैदा हो गया था कहीं वो चेयरमैन का कैंडिडेट ना हो, क्योंकि ये अब NRO मांगते हैं। मैं असल खबर आपको देना चाहता हूं जनाब शाहिद साहब, मैं बहुत जिम्मेदारी से खबर देना चाहता हूं आपको, बताइए जनाब बताइए, ये परवेज रशीद को ला रहे थे ये डर गए। अच्छा, मैं आपको बताना चाहता हूं ये दरमियानी रास्ते की भीख मांग रहे हैं, जो कुछ ये सड़कों पे कर रहे हैं कह रहे हैं ये अल्फाजी कलामी है, अंदर से इन्होंने चूहे छोड़े हुए सुच लगाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान उस जगह पहुंच गया है जो भी NRO करेगा वो नेस्त और नाबूद हो जाएगा, चाहे उसका तल्लक किसी जगह से ना हो। अब फैसला होने आया है, अगर ये कौम चोरों डाकुओं लटेरों बेईमानों करप्ट डिसऑनेस्ट लोगों को पसंद करती है और एक छोटे सूबे के आदमी आ गया तो इनको तकलीफ हुई है, कहां गए वो लोग, कहां गए वो लोग जो कहते हैं जनाब अली ये बिकना और बकना
किन का शेवा है? ठीक है, मैं पार्लिमानी जुबान में बात करता हूँ। जी नहीं, ठीक है, बिकना और बकना किन का शेवा है? छांगा मांगा किसने मुतारफ कराया? नवाज शरीफ साहब कह रहे मैंने कभी नहीं हॉस्टेडिंग की। नवाज शरीफ साहब कह रहे मैंने कभी हॉस्टेडिंग की। मैं तारीख को दुरुस्त करता हूँ जनाब, मेरी बात सुने। हॉस्टेडिंग निकली इनके यहाँ से है। जब इन्होंने मरी में सुलाया हुआ था तो सिर्फ दो आदमी थे, एक शेख रशीद और एक चौई निसार। हमने कहा जी हम आएंगे जिंदा रहे तो, और वो जो हमायों साहब थे वो मैरियट से नहीं पहुंच सके, जिनके भाई को इन्होंने अब बड़ा सेनेटर सेनेट में लाए हैं। पैसों पैसे पैसे पैसे, इस मुल्क में अब पैसे की सियासत है भाई। हम अल्लाह के बाद टीवी टीवी खेल कर इंशाल्लाह जीतेंगे, अवामी मुस्लिम लीग जीतेगी। मैं ये समझता हूँ जो लोग आप ये सोचें, अगर आज ये कैंडिडेट संजरानी ना जीता तो लोगों ने तो इमरान खान का सत्यानाश कर देना था। आसफ जरदारी को तो डिफेंड करने वाले कई लोग हैं, इमरान खान को तो एक फवाद साहब है, चौधरी फवाद है, दूसरा शेख रशीद है, तीसरा बंदा उसको डिफेंड ही कोई नहीं करता। अल्लाह की शान देखें, जिस बंदे ने 20 साल मेहनत की है उस पर लोग बातें करते 2 मिनट नहीं लगाते। अब आप सोचें कि अगर खुदा ना खास्ता, राजा जफरुल्लाह का मुझे बड़ा एहतराम है और नवाज शरीफ खुद कहते हैं कि यार जीत इसके मुकद्दर में नहीं लिखी हुई, ये खुद कहते थे, और अब जो रिजल्ट आया है इंशाल्लाह ताला इसके असरात आप देखेंगे। मैं अपनी बात पे कायम हूँ, मार्च अप्रैल में तारीखी बातें होंगी और मार्च से किक मार शुरू होगा और अप्रैल तक ये फाइनल हो जाएगा। ये तो सर बड़ी अजीब व गरीब सी बात चल रही है, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि बेसिकली ये, अच्छा शेख साहब मुझे एक बात ज़रा क्लियर कर दीजिए, आप ये गवाही दे रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब हॉर्स ट्रेडिंग पहले करते थे, क्योंकि उनका दावा उन्होंने कभी भी नहीं की, लेकिन आप कह रहे हैं मरी शरीफ आपने देखा करते हुए उनको? बात करना नहीं चाहता, अगर किसी दिन आपने की तो कर दूंगा। हॉर्स ट्रेडिंग निकली इनके घर से है। अच्छा, ये देखें ना, हॉर्स ट्रेडिंग के कई तरीके हैं। अगर जो इल्जाम लगाते हैं आसफ जरदारी पे, दूसरों पर, ये अपने घर से देता होगा। ये तो देते भी सरकारी खजाने से, 2 प्लाट दे दो शेख रशीद नु, 2 दे दो फलाने नु, 2 दे दो फलाने नु, 3 ASI दे दो, 4 ASI दे दो। सर जी बिजनेसमैन पॉलिटिशियन ऑलवेज लुक्स फॉर हिज ओन इंटरेस्ट नॉट फॉर द नेशन। वरना नवाज शरीफ को 40 साल हुक्मरानी के मिले हैं और कहता है ये 4-6 महीने मुझे और मिल जाते मैं आपको रोजगारों की लैन लगा देता, कश्मीर आजाद करा देता। सब झूठ है। आज उन इंटरनेशनल फोर्सेस को शिकस्त हुई है जो पाक फौज की और अदलिया की और नैप और उसके चेयरमैन की इस मुल्क में तजलील चाहते थे, और जो नवाज शरीफ के पीछे छुप के खड़े थे, दुस्ताने पहन के खड़े थे। और आसफ जरदारी को मैं ये क्रेडिट देता हूँ कि उसने क्या नाम था इस चेयरमैन सेनेट को जो एक्सेप्ट नहीं किया, रजा रबानी, नाम पहले दिन ही भूल गया इसका, रजा रबानी। और मुझे उसने पैगाम भेजा कि तूने ठीक पैगाम दिया कि ये रजा रबानी। मैंने टीवी पे सुना कि शेख रशीद से पूछो, ये 6 महीने से टाइम मांग रहा था आसफ जरदारी से, वो टाइम नहीं दे रहा था। अच्छा शेख साहब, अभी एक बात बताइए कि अभी अभी के उसने उसकी सियासत से 100 इख्तलाफ करो, बंदे को समझने में वो ज्यादा देर नहीं लगाता। आपके ख्याल में अब जरदारी साहब ओवरशैडो कर देंगे इमरान खान को? क्योंकि आज भी ऐवान में तो एक जरदारी सब पे भारी, जरदारी सब पे भारी के नारे लगे मेरे भाई, तो इसका मतलब जरदारी अब रूल करेगा सेनेट को? जरदारी साहब मेरी जान, मेरी जान, मेरी जान, देखें ये 50-50 दोनों को क्रेडिट दें, आप जरदारी साहब को दें, इमरान खान को भी दें, और सराजुल हक साहब से मुझे उम्मीद थी कम से कम वो मुश्ताक का वोट दे देते, लेकिन उनको वोट ये देना चाहिए था। और ख़त्म नबूवत के ये दुश्मन जो हैं, और जो कुछ नवाज शरीफ के साहब के साथ कल या परसों हुआ, वो सर उस पे भी आता हूं मैं, अभी उस पे आता हूं मैं सर, अभी उस पे ना आए, बुरी फुटेज दिखाऊंगा मैं, जितनी मजम्मत की जाए। शेख साहब उस पे भी आता हूं मैं, अभी उस पे ना भी आए, मुझे एक बात बताइए, बुरी हरकत है, लेकिन ये शुरू कब हुआ जी? ये जामे नईमिया दूसरा जाति उम्र है उनका, ये दीनी जाति उम्र है, वहां अगर जूतियां पड़नी शुरू हो गई हैं तो फिर अल्लाह से डर लगता है कहीं ये ना हो कि कोई और ही फड्डा हो जाए। और नवाज शरीफ जिस हालात से गुजर रहा है उस हालात में मैं समझता हूं कि इनके लिए बहुत ही आज का दिन शिकस्त की शुरुआत है, और इनको हौसले से, क्योंकि कल वो कह रही थी कि हम शिकस्त को बहुत हौसले से तस्लीम करते हैं, अब गाली गलौज पे ना आए और हौसले से तस्लीम करें। हौसला ये है
کہ آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو چکا ہے، آپ اس کو حوصلے سے سہیں اور ہوائی فائر کرنے کی بجائے حقیقت کی دنیا میں آئیں۔ شیخ صاحب، لیکن یہ جو جامعہ نعیمیہ میں واقعہ ہوا، آپ نے خود ہی چھیڑ دیا، جو جوتیاں برسائی گئیں، آپ اس کی تو مذمت کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ اور آپ کے خیال میں کیوں ایسا کیا گیا اتنے دینی درسگاہ کے اندر؟ دیکھیں جی، میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے ایک سیاسی مخالف تو نہیں کہنا چاہیے، حامد میر صاحب کو خود سنا ہے، انہوں نے کہا میں پچھلے سال بھی گیا تو وہاں ان کے خلاف نعرے لگ رہے تھے۔ ایک اور اینکر کو میں نے سنا ہے، بلکہ اس نے لکھا ہے، میں تو یہ ٹویٹر شویٹر نہیں سمجھتا، لوگ اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، میرا تو کوئی یہ نہیں ہے سوشل، جس کے لیے بے نظیر یہ نکلی ہوئی ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، سوشل میڈیا ٹیم، سوشل میڈیا ٹیم، جی جی جی، جو یہ سوشل میڈیا کنونشن کیا کرتے پھرتے ہیں۔ میرا تو اللہ کی طرف سے سارے لوگوں کو کہتا ہوں، تم شیخ رشید کے پیچھے آؤ، سچ پاؤ گے، مر جاؤں گا، جھوٹ کی بات نہیں ہوگی۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ سوشل میڈیا ٹیم پر ایک اینکر صاحب نے کہا، کیونکہ وہ آپ کے چینل کے نہیں ہیں، انہوں نے کہا دو تین جوتیاں پھینکی گئیں پیچھے سے۔ اچھا، اور انہوں نے کہا پیچھے سے نعرے لگ رہے تھے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کی آپ بنیادی وجہ پوچھ رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ جب میں نے قوم کو بتائی، آبادی ہے کل 20 کروڑ پاکستان کی، 18 کروڑ لوگوں نے وہ ویڈیو سنی، بنگلہ دیش، سری لنکا، انڈیا، جب میں نے کہا یہ ناموس رسالت کے خلاف سازش ہے، کہاں ہو تم فضل الرحمان، یہ 7B اور 7C کہاں سے آئی ہے؟ اور میرا کیس اب 27 تاریخ کو ہے، یہ الیکشن فارم پہ بھی بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے، دو تین سینیٹر جو ہیں وہ نااہل ہو جائیں گے، ان کے پاس امریکن نیشنل ہیں۔ اس فارم میں 19 تبدیلیاں کی گئی ہیں، اچھا 19 تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں 5 آئین کے خلاف ہیں۔ مجھے چیف جسٹس صاحب نے اس دن کہا، اور انہوں نے کہا کہ آپ دے اپلیکیشن، میں اتنی تیزی میں تیار ہی نہیں کر سکتا تھا، میں سوچا کہ اگر یہ اپلیکیشن دوں تو پھر میں ہائی کورٹ میں چلا گیا ہوں۔ اب 27 تاریخ، دو ججوں کے پاس لگا ہے، ایک کا فیصلہ ہوگا، کم از کم ڈوئل نیشنلٹی، کل اس سینٹ میں انڈین را کا ایجنٹ بھی ممبر بن سکتا ہے اگر ڈوئل نیشنلٹی نہ ختم کی گئی۔ ٹھیک ہے، اگر ڈوئل نیشنلٹی نہ ختم ہوئی تو کل را کا آدمی اس ملک کی سینٹ اور قومی اسمبلی میں آ سکتا ہے۔ سر، آپ جامعہ نعیمیہ کا واقعہ بتا رہے تھے، آپ شیخ صاحب جامعہ نعیمیہ کا واقعہ بتا رہے تھے، شیخ صاحب جامعہ نعیمیہ میں لگا ہے، جی جی وہ ٹھیک ہے، پہ لگا ہے، اگر نہیں لگا تو اس کی وجہ کیا ہے، جو حدیبیہ میں نہیں لگا اس کے، شیخ صاحب کوئی بات نہیں، وہ ہو جائے گا، میں کہہ رہا ہوں جامعہ نعیمیہ کی وجہ بتا، میں انتظار کر رہا ہوں کہ نیب کب کاروائی شروع کرے گی۔ بالکل ٹھیک ہے، جامعہ نعیمیہ میں ایسا ریئیکشن کیوں آیا، آپ یہ بتا رہے تھے وجہ، مجھے کیا وجہ اس کی، کیوں ہوا یہ سب کچھ، جس کی پرزور مذمت کرتے ہیں ہم سب؟ میں سب مذمت کرتے ہیں، دیکھیں 8 ایمبیسیز کو نوشہ رحمان نے خط لکھا، جو منڈی میں بات ہے، میں نے خود خط نہیں دیکھا، میں اللہ سے ڈرنے والا آدمی ہوں جناب، عمر کے اس حصے میں اور زیادہ ڈرتا ہوں، کہ ہم یہ تبدیلی کرنے جا رہے ہیں، اس کے پیچھے انٹرنیشنل فورسز تھی، یہ جہاں جاتے تھے ان پر یہ پریشر ہوتا تھا جی کہ اس کو چینج کریں، احمدی حضرات کا بڑا انفلوئنس ہے، اسپیشلی برٹش کے ساتھ، ٹھیک ہے، بہت زیادہ انفلوئنس ہے، سو ان کی کمٹمنٹ سے یہ تبدیلی آئی، کسی کو پتہ ہی نہیں لگا یہ تبدیلی آئی، اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات لائی تو یہ سولمنلی ڈکلیئر، میں تو سولمنلی پہ گیا، ٹھیک ہے، جب میں اندر گیا تو اندر تو گند بھرا ہوا تھا، وہ کیس جس کے لیے مدودی صاحب نے اور مولانا ختم نبوت کون سے تھے، جمعیت علماء اسلام کے، جی ہاں، جنہیں سزائے موتیں ہوئی، اور یہ ہراری بیٹھے تھے اندر، اتنے مولوی بیٹھے تھے، ان سب نے ووٹیں دی، شیخ رشید نے قوم کو بتایا، یہ میرے پہ حملہ آور ہوئے اسمبلی میں، یہ سیڑھیوں پہ حملہ آور ہوئے، لیکن جب قوم کو میں نے ویڈیو میسج دیا، یہ ڈر گئے، انہوں یہ میرے پاؤں پڑ گئے، میں نے فرائیڈے کی کال دی، انہوں نے جمعرات کو ہی ٹھیک کیا، یہ بڑے بےمان ہیں۔ تو آپ کو لگتا ہے اس لیے مذہبی جذبات کسی کے ہو گئے مشتعل اس کانٹیکسٹ میں جامعہ نعیمیہ میں، آپ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس لیے یہ واقعہ ہوا، کوئی سیاسی واقعہ نہیں، اکانومی سے تو کوئی تعلق نہیں تھا نا، وہ مہنگائی یا پٹرول کے خلاف تو نہیں نکلے نا، بالکل ٹھیک ہے، شیخ صاحب میرے ساتھ رہیے گا، اس بھرمار کے خلاف تو نہیں نکلے، میرے ساتھ ہی رہے گا۔ ایک اور بڑا ہی عجیب و غریب واقعہ میں آپ کو اور ویورز کو دکھانا چاہتا ہوں، اور کسی نے نہ دیکھا ہو، اور بڑی پرزور مذمت کہی جانی چاہیے اس کی بھی، کیونکہ دیکھیں جی، خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر خارجہ، ان کا منہ کالا کرنے کی کوشش کی، کسی بندے نے پھینک کے دیوات، یہ دیکھیں آپ، یہ ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیوات پھینکی ہے وزیر خارجہ خواجہ آصف کے منہ پہ، اور یہ بھی بڑا پرزور مذمت کرتے ہیں اس کی بھی، لیکن حیران کن بات یہ کہ ان پہ کیوں پھینکی گئی، کیونکہ
इनका तो उस बिल से भी कोई ताल्लुक नहीं था, ये तो वजीर खारजा है। ये देखें आप स्पीच करते करते ये किसी ने दवात फेंक दी और कालक बनने की कोशिश की गई। और कुछ दिन पहले असर इकबाल साहब को भी जूता पड़ा, तो ये बड़े अजीब और गरीब पाकिस्तान की सियासत जो है वो ज़रा इंतहा पसंदी की तरफ जा रही है, कहीं जूतियाँ पड़ रही है सियासतदानों को। और ख़ासतौर पर से पी एम एल एन की शामत आई भी, इमरान खान पर भी कल वैसे एक अटैम्प्ट हुई लेकिन उनको पड़ा नहीं, वो अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट थी। जी शेख साहब, ये चलो वो तो ख़त्म नबूवत से आपने जोड़ दिया, जामिया नहीं वाला वाक़िया, ख्वाजा आसिफ बेचारे वज़ीर ख़ारजा, उनका तो कोई ताल्लुक भी नहीं इस तरह के मामला से, उनके मुँह काला करने की कोशिश क्यों की यार, ये भी पुरजोर मजम्मत करते हैं इसकी। जी मैं भरपूर मजम्मत करता हूँ, बहुत बड़ी बदखलाकी है, बहुत बड़ी ज्यादती है, लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब खुद कोर्ट में कह चुके हैं कि हाँ मैं तनख्वाह लेता हूँ यूएई से। अच्छा, यार खुदा के बंदो कितने मुलाजम यूएई में भर्ती होने हैं हमारे, कोई बेचारे ने लेंटर डालना हो, किसी बेचारे ने कोई मेमार हो, कोई तरखान हो, कोई मोची हो, कोई धोबी हो, कोई दर्जी हो, पेट की आग का मारा दुबई में जाके 52 और 54 के टेम्परेचर में लेंटर डाले तो बात समझ आती है। जो इतने हजार रियाल लेने का एडमिट करता है कोर्ट में, और कोर्ट कभी कोर्ट टूट जाती है, कभी अदालत टूट जाती है, कभी कुछ और हो जाता है, ये सारी बातें इस मुल्क में देखे ना, वजीर दाखला 4 पोस्टें अहम होती हैं जी जनाब, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर, चारों के बार के डॉक्यूमेंट है। फिर इस मुल्क का क्या बनेगा बताएं, इस मुल्क में रहम खाओ खुदा और रसूल के वास्ते, अल्लाह नबी के वास्ते, इस मुल्क को इतना तबाह ना करो कि खाना जंगी की हद पर पहुंच जाए। राइट, ये आपका पॉइंट आ गया। कहते हैं कि इनके साथ नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। नहीं शेख साहब, मैं तो ये नहीं कह रहा, मैं तो कहता कि बड़ा बुरी बात है कि मुंह काला करने आके करें जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये मुंह काला करने वाली रवायत तो शेख साहब बड़ी अजीब सी है, जूतियाँ मुंह काला, ये तो देखे ना बड़ा गलत। मुझे तो डर है किसी दिन कोई किसी को गोली ना मार दे, वो मौलवी जहाँ पहुँच कर उसने नारा तकबीर बुलंद किया खत्म नबूवत, वो कुछ और भी कर सकता था। सही बात है, हामिद साहब ने खुद कहा कि मैंने ख्वाजा आसिफ से राबता कायम किया, उसने कहा शुक्र करो उसने मुझ पे तजाब नहीं भेज दिया या छुरी नहीं मार दी, बकौल हामिद मीर साहब के, ठीक है हामिद मीर के, ठीक है। एक इस किस्म की सूरत हाल है, बड़ी बुरी सूरत हाल है जी, पाकिस्तान में इलेक्शन होने जा रहे हैं और हमारे पॉलिटिशियंस जो है उनको जूतियां पड़ रही हैं और उनके मुंह काले करने की कोशिश की जा रही है, उसकी पुरजोर मजम्मत भी हम करते हैं, लेकिन ये हालात जो है बड़े इंतहा पसंदी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि अगर इस तरह जूतियां पड़ेंगी और मुंह काले होंगे तो कौन सा लीडर है जो कॉन्फिडेंस के साथ आवाम को फेस करेगा, एक बंदा बीच में आगे कोई शरारत कर दे इस तरह की, चाहे वो पूरी कौम की तर्जमानी, तो इससे इसलिए इस कल्चर की नफी करनी चाहिए, जूतियाँ मारने और मुँह काला करने की कल्चर की, और इसकी पुरजोर हम मजम्मत करते हैं। व्यूअर्स एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो बहुत से अहम मामलात हैं जिसमें सेनेट के इलेक्शन के असरात, 2018 का इलेक्शन, और अमेरिका में एक बड़े अहम शख्स को सफीर नामजद करने की कोशिश की गई है जिसमें मैं आपको पक्की खबर दूं कि एस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल खुश नहीं होगी, खबर तो नहीं है मतलब तजिए कर सकता हूँ, क्योंकि कोई भी खुश नहीं होगा क्योंकि वो बिजनेसमैन है, बड़े कम उम्र के हैं, उनका कोई ताल्लुक ही नहीं इस तरह के मामला से। शेख साहब से पूछते हो कुल लगाया क्यों गया भाई, एक ब्रेक लेते हैं। वेरी वॉम वेलकम बैक टू दिस शो। अपोजिशन का इतिहाद आज जीत गया, संजरानी चेयरमैन सेनेट बन गए जबकि नवाज शरीफ साहब को शिकस्त हुई, राय जफर उल्हक हमेशा की तरह हार गए। आज ऐवान में मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी कमी महसूस हुई हमारे बीमार वजीर खजाना जनाब इसहाक डार साहब की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर उनका वोट आ भी जाता तो क्या होना था, ज़्यादा वोट 46 हुए थे 47, फिर भी फ़र्क था 10 का। तो शेख साहब आपको वैसे हमदर्दी कोई नहीं होती यार, कोई बंदा बीमार हो जाए तो उसके अच्छाइयाँ याद करते हैं, उसकी बुराइयों को ज़रा कम करते हैं, लेकिन आपको वैसे दिल में कोई नरमी नहीं है साग डार के लिए, बीमार आदमी के लिए? मैं तो उनसे तवक्के रखता हूँ, आए बड़ा माल बना लिया है, और आप जिस एम्बेसडर की बात कर रहे थे जहाँ ये डिस्कस हुआ है वहाँ इसहाक डार भी डिस्कस हुआ है, आपको सब खबर होती है, चाहते हैं आपके शेख रशीद फिर खबर दे, ये देखें हुजूर सत्यानाश कर दिया है, सत्यानाश कर दिया है इस मुल्क की इकॉनमी का जिस शख्स ने, और सारी दौलत ले गए ट्विन टावर में। चाइनीज कहते हैं कि ECC का जो इजलास है वो बकवास होता है, असल फैसला तो उधर होता है दुबई में, सब मिलके लूट रहे हैं खा रहे हैं और किस्तें देने के पैसे नहीं है। जो भी हुकूमत आएगी उसके लिए सबसे बड़ा मसला इस मुल्क की इकॉनमी का होगा के 35 बिलियन डॉलर का मकरूज कर दिया है, जबकि 40 बिलियन डॉलर 70 साल में हुए हैं,
और 1,30,000 का हर बच्चा मकरूज पैदा कर दिया। ये इसहाक डार की गलत पॉलिसी आपके नजदीक? जनाब अली बड़ी तरक्की, इसहाक डार की गलत पॉलिसी आपके नजदीक? ऑफ कोर्स, इसहाक डार तो इकोनॉमिस्ट है ही नहीं है, ये तो मुंशी था इत्तेफाक फाउंड्री का। ओहो, अब तो रिश्तेदारी होगी, रिश्तेदारी होगी तो काबिल हो गया। देखे ना, मुंशी को मुंशी मिले कर कर लंबे हाथ, सो मुंशी मुंशियों से मिले और गले मिल जा सयाद। क्या बात है जी, सो मजे ही मजे। सो मुंशी है इत्तेफाक फाउंड्री का, आप रिकॉर्ड उठा के देखें। अब तो बेचारे बीमार हुए हैं। और इकोनॉमिस्ट कहां से उसने इकोनॉमी सीखी और पढ़ी, ये सब बातें हमें। शेख साहब मैं एक बात बताऊं वैसे आपको, शेख साहब जिनकी आवाज है उनके पास वसाइल कोई नहीं। शेख साहब और कौम के लिए मसाइल। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा था कि आप दुआ करते हैं उनके लिए, आपकी हाई लगी हुई है, बेड से नहीं उठ रहे वो, तो सेनेट के इलेक्शन में नहीं आ सके आज वोट डालने, कोई थोड़ी दुआ कर दे, सियासी मुखालफत अपनी जगह पे है। अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह उनको सेहत दे और आके मुकदमे को फेस करे। ये तो आप अल्लाह इसलिए भी सेहत दे जी, क्योंकि मौलवी जो होते हैं, इमाम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जनाजा जायज नहीं है मकरूज आदमी का। ओहो, जो सारी कौम का मकरूज है उसको आके बताना चाहिए कि मैंने ये काम नहीं किया। ये बात तो सही आपकी। अच्छा सर, ये जो मुझ पर इल्जाम है, आए तो सही, प्राइम मिनिस्टर के जहाज पे भाग गया। अच्छा, अगर नैप ने 200-250 आदमियों को ECL में डाला, किसी एक आदमी को ECL से नहीं निकाल पर एतराज नहीं किया इंटीरियर मिनिस्ट्री ने, जब नवाज शरीफ साहब का नाम आया और इनका नाम आया तो उन्होंने कहा जनाब हम इसको देखेंगे। सही है। सो ECL गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, इस खानदान के लिए नहीं है। सर नवाज शरीफ तो आम आदमियों का प्राइम मिनिस्टर, वो कहते हैं कि मैं ऐसा इकबाल तीन दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, इस किस्म की बातों में रुकावट बन सके। मैं क्यों भागूंगा, वो कह रहे हैं मैं तीन दफा इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर हूं, मैं क्यों भागूंगा भाई, मैं क्यों भागूंगा, मैं तो आवाम के साथ हूँ, जीना मरना। अब तो जेल जाने के लिए भी तैयार है वो मेंटली तौर पर। देखो वो तो उनको पता है, वो अब वली हो गए हैं, उनको पहले पता है कि मैंने जेल जाना है। अगर वो मेंटली तौर पर तैयार है, उन्हें वो कह रहे हैं फैसला मेरे खिलाफ आएगा, वो भूल गए जब 10 साल का मुआहदा करके गए, सारे भाइयों और मर्दों ने दस्तखत किए, अब वो किसी ऐसे ही मुआहदे के मुतलाशी हैं। पाकिस्तान के अहम बंदे ने जो एंकर्स को कहा कि उन्होंने कहा कि मेरी मदद करनी है, अच्छा उस अहम तरीन बंदे ने ये कहा कि आइन और कानून, अल्लाह आपकी मदद करे, जो आइन और कानून कहेगा उसके पीछे खड़े होंगे। ठीक है, उन्होंने मैसेज भेजे कि अगर मेरे खिलाफ कोई ऐसा फैसला आ जाए तो मेरे लिए निकलने का रास्ता बनाएं। पाकिस्तान में बहादुर सियासतदानों की बड़ी कमी है। ठीक है जी, देख लेते हैं, अभी बहुत कमी है, अभी चल जाएगा पता। टीवी पे ही बहादुर हैं। शेख साहब चल जाएगा पता, अगर नवाज शरीफ साहब चले गए जेल और हीरोइक तरीके जेल गए और जेल में जिंदगी गुजारी तो आप लोगों की सियासत वो जेल में बैठ के खत्म कर देंगे, चल जाएगा पता। लेकिन बहरहाल मैं आता हूँ असल इशू के ऊपर। वो इशू ये है कि अली जागीर सदीकी को लगा दिया गया जनाब पाकिस्तान का नया सफीर अमेरिका में। ना उस भाई साहब का पॉलिटिक्स का तजर्बा, ना एडमिनिस्ट्रेशन का तजर्बा, ना सिक्योरिटी एनालिसिस का तजर्बा, उसे क्यों लगाया गया? वो तो बेचारा बिजनेस का तजर्बा है उसका, और वो मशीर भी शायद का बस आप यहाँ पर क्यों लगाया उसको? उसको तो मेरे ख्याल से इदारे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे एज फॉरन मिनिस्टर, बड़ी सेंसिटिव जॉब है शेख साहब, आप तो बेहतर समझते हैं। क्यों लगाया गया, क्यों लगाया उनको? देखें इस वक्त अमेरिकन को आर्मी कूल डाउन कर रही है। अच्छा, अमेरिका जैसी सुपर पावर के मामलात जो है, इंडिया इसको हाईलाइट कर रहा है। ओमान की पोर्ट उसने ले ली है, चाबहार 18 महीनों के लिए ले लिया है, कल फ्रांस के साथ भी उसने परसों वायदा कर लिया है, लेना उसने असला था साथ, स्ट्रेटजिकल पोर्ट भी ले ली है, और चीन के अलावा ये सारी सजाएं पाकिस्तान को, ये सारा घेरा चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए किया जा रहा है, और ये एम्बेसडर साहब अंडर 19 में हैं। और बड़े अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है, क्योंकि कल परसों शायद खाकान अब्बासी भी 5 या 6 दिन के प्राइवेट दौरे पे अमेरिका जा रहे हैं, ये कभी मरी नहीं गए 4 सालों में। अच्छा, ये अमेरिका जा रहे हैं 5-6 दिनों के प्राइवेट दौरे पे, ये पाकिस्तान नहीं नवाज शरीफ के लिए जा रहे हैं हर जगह पे। एयर ब्लूबर्ड डायरेक्टर भी रहे हैं, नारो की गुंजाइश समझते हैं कि अरबी नहीं दे सके। अली जहांगीर जो है, ये आपने सुन लिया, ये फैसला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए एक
غلط فیصلہ ہے اور اداروں نے کہا ہے کہ باز آؤ ایسی بات مت کرو. کوئی تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے اور وہ آپ کو پتا ہے انگلش میں کہتے ہیں نو بڈی کین بیٹ دی ایکسپیرینس. ان کو صرف بلیو ایئر کا ایکسپیرینس ہے. رائٹ. بلیو ایئر جو ہے نا یہ بلیو آئیڈ ہے, بلیو ایئر کے بلیو آئیڈ ہیں. اور آج دیکھیں خود پرائم منسٹر کے بیٹے نے حمید اللہ پہ حملہ کیا ہے. یہ سوچ ہی نہیں سکتے, یہ تو گلدستے لے کے وہاں پہنچے ہوئے تھے, انہیں پتا نہیں تھا 8-9 لوٹے ان کی کرسیوں کے اندر بھی ہیں. دیکھیں جب آپ گرینڈ لوٹے کو مشاہد حسین جیسے آپ لے آتے ہیں تو پھر کسی کے لیے کیا کشش ہے آپ کے اندر. آپ کہتے ہیں کہ ہم خریدتے فروختے نہیں, خرید و فروخت نکلی نواز شریف کی سیاست کے ساتھ ہے. اب جنیجو بچارہ تو کسی کو نہیں خرید سکتا تھا نا جی, جنیجو کے بس کی بات نہیں تھی خریدنی. اچھا یہ جن کے پاس مال مفت دل بے رحم, مال مفت دل بے رحم وہ خرید و فروخت کر سکتے ہیں, لگاتے ہیں, کماتے ہیں, لے جاتے ہیں, جاتے ہیں, اڑتے ہیں, اڑاتے ہیں. شیخ صاحب جنیجو صاحب جو تھے وہ آنسٹ پرائم منسٹر تھے, آپ کے خیال میں کرپٹ نہیں تھے؟ میں نے اس کے ساتھ کام کیا, میں جنیجو کو سب سے آنسٹ پرائم منسٹر سمجھتا ہوں, میں نے اپنی قبر میں جانا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی, اور میں اس پہ بریک لے لیتا ہوں. میں جنیجو نے دو کیا لگا لیے جی, فلور مل کے رولر. اچھا اب ہر وقت لوگ یہی چاہتے ہیں, میں وہ مجھے کہتے تھے شیخ رشید یہ اس زمانے میں 4.5 لاکھ روپے کے لگے جی, لوگوں نے جینا مشکل کر دیا جی کہ فلور مل کے دو رولر اس نے بڑھا لیے. ٹھیک ہے, میں نے جنیجو صاحب کو, اللہ اس کی قبر بہتر کرے, میں نے اس کو دیکھا کہ وہ شام کو اپنے کھانے کا حساب کرتا تھا. ایک دن اس نے پوچھا, اس نے کہا کتنا مانی میں کتنا گوشت آتا ہے؟ انہوں نے کہا جی 12 کلو. انہوں نے کہا بھائی کیا بات کرتے ہو, ہم 3 آدمی اور 12 کلو. انہوں نے کہا صرف 3 کلو. بڑی بات ہے جی, بڑی بات ہے. 3 کلو کر دیا 12 کو میرے سامنے کاٹ کے. انہوں نے کہا مجھے ادھر تو پورے بکرے, آپ سپلائی لائن پڑھے پرائم منسٹر ہاؤس میں نواز شریف کے دور کی. اچھا بہت کھانا آتا تھا سر, اسپیشلی کسائی ہیں جو بکروں کے ٹرک لاتے تھے نواز شریف صاحب کے دور میں. اوہو 12 کلو کو جنیجو صاحب نے 3 کلو میں کر دیا. خوش خوراک ہے نا سر نواز شریف صاحب, خوش خوراک ہے بھائی, خوش خوراک لوگ بھی ہوتے ہیں اس دنیا میں. خوش خوراک تو ہم بھی ہیں, یہ تو نہیں کہ لوگوں کے مال پہ خوش خوراک. صبح 100 روپے کا ناشتہ ریڈی پہ بھی ہو جاتا ہے, اور تندوری پراٹھے کے ساتھ ہوتا ہے, 20 روپے کا پراٹھا اور 80 روپے کی کا سالن. بالکل ٹھیک ہے جی. شیخ صاحب یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا, مجھے ایک بریک لینی پڑے گی, بریک سے واپس جب آؤں گا تو آبویسلی ویورز آپ سینٹ کے الیکشن جو ہے اس کے اثرات الیکشن 2018 میں دیکھنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ نون لیگ کا یہ کہنا ہے کہ اب یہ ایک نئی آئی جی آئی بن گئی ہے, یہ کٹ پتلی آئی جی آئی بن گئی ہے جو عمران خان زرداری اور شیخ رشید جس میں شامل ہیں, جبکہ نواز شریف جمہوریت 11 کو لیڈ کریں گے آئندہ الیکشنز کے اندر. ان تمام چیزوں میں آپ سے ضرور بات کریں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. ویورز آپ کے ساتھ شیئر کرتا چلوں, ڈپٹی چیئرمین جو ہے وہ بھی سلیم مانڈی والا الیکٹ ہوئے تھے تھوڑی دیر پہلے, اور محمود خان چکزئی صاحب کو ایک دفعہ پھر بڑی بھاری جو ہے وہ لگی ہے ڈز. ان کے جو پارٹی کے تھے عثمان کاکڑ وہ ہارے بری طرح, بدترین شکست ہوئی ہے محمود خان چکزئی کو, جو اینٹی اسٹیٹ ویسے باتیں بھی کرتے ہیں, ان پہ الزامات بھی ہیں. 44 ووٹ ملے صرف ان کے بندے کو. تو شیخ صاحب یہ اگلا الیکشن لوگ کہہ رہے ہیں نئی آئی جی آئی بن گئی ہے نون لیگ کہہ رہی ہے, جس کے سرخیل آپ ہیں عمران خان اور زرداری ہیں اور نواز شریف ہے جمہوریت 11, تو اب جمہوریت 11 ورسز نیو آئی جی آئی اسٹیبلشمنٹ 11, پتہ نہیں کیا کچھ کہا جا رہا ہے. حضور یہ کیا ہو رہا ہے, کیا ہوگا الیکشن میں؟ دیکھیں کہنے والے کی زبان تو نہیں پکڑی جاتی. بالکل دیکھیں وقت آنے پہ آپ کو پتہ لگ جائے گا عمران خان شیخ رشید آپس میں, ہم ایک چھوٹی پارٹی عوامی مسلم لیگ اتحادی ضرور ہیں لیکن پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحاد میں وہ الیکشن نہیں لڑیں گے. اگر پیپلز پارٹی کے ایسے اچھے کینڈیڈیٹ ہیں لائک کائرا صاحب ہو گئے جی, کوئی اور صاحب, تو انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی ان کے خلاف کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے, ٹھیک, وہ اس میں تو کوئی جرم نہیں ہے اگر تحریک انصاف کے پاس وہاں کوئی کینڈیڈیٹ. لیکن شیخ صاحب میرا آپ سے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے سر, میرا ایک سوال ہے آپ سے سر, میں ایک سوال ہے, آپ کو یہ لگتا ہے لوگ کہہ رہے ہیں خفیہ ہاتھ پیچھے آ گئے, انہوں نے سہولت کاری کی ہے ساری الیکشن کی, یہ کٹ پتلی 11 ورسز نواز شریف جمہوریت 11 الیکشن ہوگا اور اس میں عوام ریئیکشن میں زیادہ ووٹ دیں گے جمہوریت اور نواز شریف کو, وکٹم سمجھتے ہوئے, مظلوم سمجھتے ہوئے, یہ لگتا ہے ایسا ہونے لگا ہے؟ ویسے آپ تو نہیں مانیں گے اگر ایسا ہونے بھی لگا. میری گزارش سنیں جناب, میری گزارش سنیں, نواز شریف کا کوئی سیاسی کیریئر تھا یا ہے یا قابل رحم ہے اس کی دماغی حالت جی,
اور نواز شریف ہوگا تو وہ قابل سیاست میں ہوگا نا. اگر نواز شریف کے خلاف کیسز سے پہلے الیکشن کے آ گئے تو یہ تو نہیں ہوتا کہ انا مارے انی نو اور مکا لگے تھمی نو. میرا مطلب ہے مسئلہ ان کا ہے ہماری. جب ابھی تو ساری چیزیں باہر نہیں آئی, اب لوگ شام کو میڈیا میڈیا دیکھتے ہیں. جو شام کو لوگ دیکھتے ہیں میڈیا میڈیا, اگر قوم کو چور اور ڈاکو اور لٹیرے پسند ہیں تو شیخ رشید کیا کر سکتا ہے جی. میں تو قوم کی فکری سوچ کے لیے لڑ رہا ہوں کہ یار یہ چور ہیں, یہ تمہارے لیڈر نہیں ہیں. صحیح. اگر لوگوں کو چور ہی پسند ہے, اگر لوگوں کو گرا کٹ پسند ہے, میرا ہسپتال نہیں بنا, لوگ کہتے ہیں یہ ہو گیا ماں بچے کا 90% کیونکہ شیخ رشید نے شروع کیا, میرا کالج اسٹیشن روڈ پر 95% بنا ہوا ہے, میری شیخ رشید ایکسپریس وے صرف اس لیے میرے ووٹروں کو شکست سزا دی جا رہی ہے کہ انہوں نے شیخ رشید کو ووٹ. یہ تو بڑی زیادتی ہو رہی ہے شیخ صاحب, ایسا ہو رہا تو زیادہ بغض دل میں رکھنے والا بندہ کوئی نہیں ہے. یہ بڑی زیادتی. آپ مجھے ایک سوال بتائیں, ایک جواب بتائیں, وہ کون سی وجہ ہے کہ ضیاء الحق کے بعد اس کا کسی چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ نہیں بنی, اور اعجاز الحق کا مجھے تو نظر ہی نہیں آ رہا کہاں ہے, بہاولپور میں ہے, رحیم یار خان میں ہے. چلیں شیخ صاحب, ہم تو یہ سمجھتے ہیں سب مل جل کے اس ملک کے لیے کوئی کام کریں, فوج بھی, آپ بھی, سیاستدان بھی, یہ سب لوگ. ویوز, آج کا یہ پروگرام تھا, آپ کی فیڈ بیک ہمیشہ انتظار ہم کرتے ہیں فرنٹ لائن کامران ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. شیخ صاحب کی تمام باتوں سے آپ مکمل ڈس ایگری بھی کر سکتے ہیں. ہمیں دیجیے کل تک اجازت.